हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज़ डॉक्टर प्रणाली मिश्रा. इतने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम व्हाट डू यू थिंक रीनीट 2021 होगा या नहीं होगा. कुछ लोग इसीलिए कंफ्यूज्ड हैं जिनका बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं नीट में कि क्या हम अभी भी पढ़ते रहें, कभी रीनीट हो गया तो. जिन लोगों को ड्रॉप लेना है या दूसरा कोर्स ज्वाइन करना है वो इसीलिए कन्फ्यूज़ हैं कि शुड वी वेट फॉर इट, या जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं, जो भी हमारा फ्यूचर डिसीजन है, हम वो ले लें. तो मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ पढ़े, काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े, और मैंने कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट करें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और देखते हैं इन फैक्ट से क्या लगता है कि रीनीट 2021 होता है या नहीं होता है. तो सबसे पहले तो जो बात आती है पेपर लीक की, कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ, एंड दिस इज़ सो अनफेयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत करके इस एग्ज़ाम के लिए अपियर हुए थे. तो NTA का बोलना है कि जो पेपर है ये इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे या मैसिव स्केल पर लीक नहीं हुआ है, ये एक छोटे से जोन में लीक हुआ था. और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को क्या करा है, उन लोगों को पकड़ लिया है, उन पर एक्शंस होंगे. इसीलिए ये किसी के लिए भी अनफेयर नहीं है, कोई भी बच्चे को इससे हम लॉस नहीं होने देंगे, पहली चीज़. तो NTA ने पेपर लीक से रिलेटेड ये बात बोल दी. दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स ने NTA को एक लेटर लिखा दैट एक तो कि आप रीनीट करवाओ, रीनीट 2021 करवाओ, और उसके कुछ रीजंस स्टेट किए उन्होंने. उन्होंने रीज़न दिया, एक तो ये पेपर लीक वाला, दूसरा कि CBSE की कुछ एग्जामिनेशन थी 12th स्टैंडर्ड की जो बहुत पास में थी नीट के साथ, तो ये उन बच्चों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया जो जिन्हें नीट भी देनी थी वो एग्जामिनेशन भी देना था. तीसरा, इस बार नीट का पैटर्न चेंज हुआ तो मेनी स्टूडेंट्स वर नॉट कंफर्टेबल विद द पैटर्न, तो एक और मौका मिलना चाहिए इन सभी स्टूडेंट्स को. ऐसे करके NTA को एक लेटर लिखा गया है. नाउ अब क्वेश्चन आता है कि ये लेटर लिखा है एंड इतना सारा ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे हैं, स्टिल डू यू थिंक रीनीट होगा या नहीं होगा? सो लेट मी टेल यू बेटा, जब 12th सितंबर को नीट होने वाला था, इतना ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि पोस्टपोन करिए नीट को, पर नीट नहीं पोस्टपोन किया NTA ने. इनफैक्ट जो स्टूडेंट को भरोसा था कि इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो पोस्टपोन ही होगी, जिन्होंने पढ़ाई कम कर दी, पढ़ाई बंद कर दी, वो एडवर्सली अफेक्ट हुए. ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि मुझे नहीं लगता 95-98% कि रीनीट होगा. अब कुछ एक्सेप्शनली केस हो जाए कि पता चलता है कि पेपर बहुत सारी जगह लीक हुआ था तो वो चांसेस हैं, पर एट प्रेजेंट सिनेरियो जो भी कंडीशन है, आई डो नॉट फील, मुझे लगता है 99% की रीनीट नहीं होगा. तो आपका जो भी फ्यूचर डिसीजन है कि आपको ड्रॉप लेना है या फिर आपको किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करना है, कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप अपना डिसीजन इसी बेसिस पर लीजिए कि रीनीट के चांसेस ऑलमोस्ट निल है, और अपना 22 की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए या फिर काउंसलिंग्स को अच्छे से अटेंड कीजिए. यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होंगे. इन केस कुछ होता भी है तो NTA विल लेट अस नो बहुत टाइम पहले, जिसकी पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. सेकेंड थिंग इज़ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज लॉट ऑफ वीडियोज़ आर कमिंग फॉर यू रिलेटेड टू दी काउंसलिंग, OMR शीट, आंसर कीज, एंड इनफैक्ट मैं एक फ्री सीरीज चलाने वाली हूँ फॉर नीट एस्पिरेंट्स, जिसमें मैं पूरा NCERT आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाली हूँ, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन बच्चों की हेल्प करें जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं. सो थैंक यू, कीप वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रणाली. थैंक यू.